हुए तो वो सारे रोड जाम हो जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या घूमना है, तो आगे पता चले। जरूर ऐड करो। तो यहाँ पे देखो मैं फ्रूट वगैरह ऐड किया हुआ है, इतना ही लिया हुआ है और ज़्यादा, क्योंकि खाना नहीं है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो आज है हमारा पार्ट, तीसरा होगा या चौथा होगा मालूम नहीं, आप लोग समझ जाना भाई, बहुत सारे पार्ट्स बन रहे हैं। मुझे मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। तो तुम्हारा भाई बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। और सुबह के अभी बज रहे हैं भाई 6, देखो देखो वॉच के अंदर घुस के देखो 6 बज गए। और आज क्यों इतनी जल्दी वीडियो बन रही पता है? आज कोचिन में श्री नरेंद्र मोदी हमारे PM सर आ रहे हैं कोई पोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। तो इसमें सीन ये होने वाला है कि आज जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग है वो 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक है। तो 7:30, तो अभी जाके हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो 7:30 बजे तक हमको डेक से उतरना पड़ेगा, हमारी बोट से उतरना पड़ेगा। एक बार उतर गए उसके बाद सीधा 1:30 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में हमको रिटर्न वापस हमारी शिप पे आना है। तो कोचिन एक्सप्लोर करना है तुम्हारे लिए गाइस, तो मैं जा रहा हूँ। और अगर हम लोग 4 बजे से पहले नहीं आए तो बोट हमको छोड़ के निकल जाएगी, फिर एयरपोर्ट से आना हमको जाना पड़ेगा भाई मुंबई, ठीक है। तो कोचिन जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। ये ड्रेस अब देखो काफ़ी ज़बरदस्त, ठीक है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, आगे की बात वहीं करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डेली रील्स आ रही है, डेली इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। भाई कार्ड वगैरह ले लिया, तो निकलते हैं सीधा बाहर। खुल जा रहे सिम सिम, तो हम लोग निकल गए। 7:15 बजे से पहले हमको निकलना पड़ेगा बाहर, तो फटाफट नाश्ता कर लेते हैं फिर निकलते हैं। Deck 10 पे जो मेन हमारा फूड कोर्ट था वहाँ पे बंद है, तो नीचे जाना पड़ेगा Deck 5 पे, वहाँ पे देखते हैं चालू है क्या, वहाँ पे से खा के ही निकलेंगे हम लोग। ओके, ये वाले फूड कोर्ट में मैं पहली बार आ रहा हूँ, अभी तक 2 दिन में हम लोग यहाँ पे नहीं है, देख सकते हो। ये अलग कैफे है, तो यहाँ पे 2-3 टाइप के कैफे अलग अलग है, तो हर जगह घूमना भाई, पूछ पूछ के जाना पड़ेगा भाई कौन सा कब हमको कवर करना है। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करते हैं फिर रिसेप्शन पे जाके पूछता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा, दिस सेक्शन इज ओनली फॉर जैन एंड वेजिटेरियन। जैन एंड वेजिटेरियन, तो अपर स्टेयर्स जैन एंड वेजिटेरियन एंड डाउन स्टेयर्स हमारा नॉन वेज आ जाएगा। डाउन स्टेयर्स पे चलते हैं। So, अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड में किधर भी जाओ, समझ रहे हो किधर भी जाओ, तो मैं आपको 2 से 3 चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ हमेशा आपको खाना है हेल्दी एंड अच्छे रहने के लिए। अगर आप लोग कहीं पे भी रह रहे हो, जैसे मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो फूड साइड मतलब रोड साइड लारी वगैरह लगती है, ठेला लगता है जहाँ पर फ्रूट्स मिलते हैं मिक्स फ्रूट, तो हमेशा अपने डाइट में फ्रूट ज़रूर ऐड करो। तो यहाँ पर देखो मैं फ्रूट वगैरह ऐड किया हुआ है, इतना ही लिया हुआ है और ज़्यादा, क्योंकि खाना नहीं है। यहाँ पर भुर्जी देखो एंड बॉयल एग भी है, तो आप लोग देख सकते हो हमेशा प्रोटीन वगैरह वाली चीज़ खाओ तो हमेशा हेल्दी रहोगे, जितना ज़्यादा हेल्दी रहोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाने में मज़ा आएगी। एंड ऑरेंज जूस भी है, तो फटाफट खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं गाइस। कि ग्रेविटी कभी दिस साइड कभी दिस साइड, और अगर लिफ्ट में बैठ गए तो अप एंड डाउन, इसमें कैसा हो रहा है भाई कि अगर भाई कोई फोबिया वाला बंदा होगा ना, तो वो तो बिल्कुल ही ना आए ये स्पेसिप पे, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा शेकिंग एंड बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना घूम घूम होता है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग मतलब घूमता जाता है। तो अभी यहाँ से सुबह का हमारा लुक देख सकते हो आप लोग, हमारा आगे पहुंची है। टोटल 1.5 दिन के बाद नेटवर्क आया है विदाउट इंटरनेट, मतलब समझ लो यहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल नहीं होता गाइस। अगर आप लोग सोच रहे हो इंटरनेट होगा, हाँ आईफोन अगर आपके पास होगा तो इंटरनेट उसमें चलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, व्हाट्सअप नहीं चलेगा। और अगर आप लोग को इंटरनेट चलाना भी होगा तो इतना ज़्यादा महंगा है कि आप लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, बंद करके रख दोगे। 1200 रुपये में 600 MB मिलेगी और 7000 रुपये में कुछ 4 GB मिलेगी, समझ रहे हो।
डिपेंड्स ऑन यू, एंड्रॉयड मोबाइल लेके आना अगर आप लोग को इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चलाना हो तो, आप डेट चेक करने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल बेस्ट रहेगा। आईफोन में सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम चलेगा और अदर ऐप चलेंगे, व्हाट्सअप नहीं चलेगा। तो हम लोग कोच ही पूछ चुके, देख सकते हो ये वाली इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा भाई, तुम्हारा भाई दे रहा है तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं कोची, और मेरे पीछे का जो व्यू है इस साइड भी एंड अदर साइड आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे पब्लिक है, अदर साइड का व्यू भी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, देख रहे हो। एंड किस तरीके से पीछे का जो व्यू दिख रहा है काफ़ी बढ़िया है, और कोची की मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं इसे अंदर से देखना ज़रूर चाहूँगा। तो भाई वीडियो में बने रहना, वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा इन साइड ऑफ कोची व्यू, और बाहर जाके मुझे दो तीन चीज़ परचेस भी करनी है एंड मुझे वीडियोस भी अपलोड करनी है, बिकॉज नेटवर्क नहीं आ रहा है, और वीडियोस आप लोग ने काफ़ी टाइम से नहीं देखे रहोगे मेरी, तो वीडियोस भी अपलोड करने हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं तकरीबन 9 रील अपलोड कर दूंगा, ताकि 1 by 1 3 आवर्स के अंदर आप लोग को इंस्टाग्राम रील्स हमारे दिखने को मिल जाए। तो भाई यहाँ पे व्यू देखो, तो गाइस चालू सिप पे मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप लोगों को मैप बता दिया जाए। तो हम लोग मुंबई से कोची कुछ इस तरीके से आए थे हमारे 3D मैप से, बट मैं आपको लाइव मैप हमारे मोबाइल में दिखा देता हूँ। अभी तक 5 दिन से भाई यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, तो आज जैसे ही नेटवर्क आया तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को जूम करके दिखाया जाए कि हम लोग इंडिया के इस कोने में बाय वाटर बाय दिस सिप कोडिला क्रूज से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और भाई देख रहे हो इतनी पतली सी जगह में कोडिला क्रूज हम लोग को कोची के अंदर लेके आया। और भाई कोची जो है भाई पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्टेट है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, सबसे पुरानी पुरानी जगह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वास्को दी गामा ने भाई इंडिया की शोध यहीं से किया था, तो बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ पे अवेलेबल है। तो देख सकते हो भाई हम लोग इस पॉइंट पे अभी चल रहे हैं लाइव। Ladies and gentlemen, this announcement is for all our guests who haven't settled their accounts yet to kindly make their way towards the Marquee Theatre. So, bhai, आप लोगों ने जो हेलीकॉप्टर देखा, शायद हमारे नरेंद्र मोदी सर पीएम सर के जो आज आने वाले हैं, शायद उसकी वजह से हमारा हेलीकॉप्टर आया होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डेक 5 पे, अनाउंसमेंट हो गई है, वहाँ पे जाके हमको पता चलेगा कि किस तरीके से बाहर आने और जाना है। चलते हैं सीधा। तो हमको चेयरमैन क्लब में वेटिंग करने के लिए बोला गया है कि अगर हमको इंडिपेंडेंटली बाहर जाना है एंड, तो उसके लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा एंड देन वो बताएंगे कि आगे क्या करना है। चेयरमैन क्लब है भाई, जबरदस्त। यहीं पे रात को पार्टी हो रही थी, सॉन्ग वगैरह गाया जा रहा था, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग जा रहे हैं अब बाहर, और हमारा केबिन कार्ड हमको हाथ में रखना पड़ेगा, देन हमको रिटर्न आने के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा। तो चलते हैं सीधा नीचे। तो गाइस मुंबई से हम लोग निकले थे 15 तारीख की शाम को 4 बजे, और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं हमारे कोचीन इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पे। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा क्रूज टर्मिनल है। तो यहाँ जी सर, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो क्रूज हमारा एग्जैक्ट पीछे गाइस, और हमको यहाँ पे 4 बजे से पहले वापस रिटर्न आना है एंड बस फटाफट हम लोग कोचीन घूम के आएंगे, और यहाँ पे रुकने बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो पीछे मेरा आप लोग क्रूज देख सकते हो, क्या लाजवाब इसका जो व्यू आ रहा है भाई, मैं बता नहीं सकता कि ये क्या चीज़ है, मैं नहीं बता सकता ये क्या चीज़ है, आप लोग देख सकते हो। इसे कहते हैं भाई 5-star क्रूज, बट यार पैसा जो लगेगा आप लोगों का, लेकिन आप लोग कहोगे कि यार मज़ा आ गया आप लोगों को देखने में। तो ये हमारा क्रूज है, फोटोज़ वगैरह अब हम लोग रिटर्न आएंगे तो ले लेंगे। अभी मुझे वॉशरूम जाना है, और हमारे जो पीएम सर हैं वो कोचीन में आए हुए हैं, तो वो सारे रोड जाम हो जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या घूमना है, तो आगे पता चलेगा, ठीक है। एंड देखते हैं कि लैंग्वेज वगैरह यहाँ वालों की समझ में आती कि नहीं आती। तो ये हमारा क्रूज़ है, आप लोग देख सकते हो।
हम लोग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के अंदर आ चुके हैं। ये स्टेशन है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलना है। पहले हम लोग वॉशरूम यूज़ कर लेंगे भाई, बहुत देर से हम लोग वॉशरूम। वेलकम टू कोची। तो कोची इंटरनेशनल टर्मिनल के बाहर हम लोग आ चुके हैं, बट यहाँ से हमको किधर जाना है हमको मालूम नहीं है। हमारे सर हमको रिक्शा ड्राइवर हमको मिले तो वो ही हमको लेके जाएंगे, तो वो हमको मैप बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ है, मैं डिसाइड करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि मैं आपको कोचिंग में कहाँ पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे सारे अलग अलग देख सकते हैं। सो गाइस, हमने रिक्शा ले ली है, स्प्लिट करेंगे हम लोग। एक्चुअली में ये भी हमारे साथ सीट पर थे, तो ये हमारे हमारी दीदी एंड भैया हैं साथ में। तो आपका नाम क्या दीदी? बंसरी कुलदीप। तो ये हमारे साथ में, हमने क्या किया, हम तो इसका भाड़ा है 1300 rupees 6 hours का ना। हाँ, 6 hours का 1300 1300 rupees हम लोग ने बुक किया है। तो ये हमको 6 hours पूरा कोची घुमाएंगे, फिर देन वापस हम लोग आ जाएंगे। तो हमको 4 बजे से पहले आना है। तो कौन कौन से लोकेशन पर हम लोग जा रहे हैं वो मैं आपको बताते रहूँगा, और साथ ही साथ मुझे आज की वीडियो भी अपलोड करनी है, तो वो अपलोड कर दूँगा। ठीक है सर, बिल्ली पानी में रिवर बोटिंग 1 hour 1 घंटे का घूमने का रिवर बोटिंग। नो, रिवर बोटिंग वी वांट चाय फर्स्ट या टी या ओके देन उसके बाद किधर भी जाएंगे।